हेलो लर्नर, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड ट्रिक भी देखेंगे जिससे आप उसे एग्जाम में आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, एक आदमी का मुख पूर्व की ओर है, यदि वह घड़ी की विपरीत दिशा में 270 डिग्री घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा में है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें पता लगाना है। उत्तर की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास, हम जानते हैं कि हमारे पास चार दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अभी वह कहाँ पे है, उसका मुख पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर मतलब इस साइड यहाँ पे है। यदि वह घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, हमारी घड़ी कैसे चलती है, हमारी घड़ी दो दिशा में चलती है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा जो होती है उसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं और जो घड़ी की विपरीत दिशा होती है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। अभी वो विपरीत दिशा में चल रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इस साइड होगा, यहाँ से 270, ये 90 हुआ, ये 180 हुआ, 180, यहाँ से 270 वो यहाँ पे पहुंच गया। अब वो किस दिशा में है, दक्षिण की ओर। तुम्हारे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन डी। दोस्तों इस तरह आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास दिया हुआ है, नीचे दिए गए अक्षर एक निश्चित पैटर्न का पालन करते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। ये हमारे पास पैटर्न दिया हुआ है और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यही हमसे फाइंड आउट करना है, हमें पता लगाना है यहाँ पे क्या है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, सी के बाद आता है हमारा डी, ई, एफ, उसके बाद आता है जी। यहाँ पे देखते हैं एम के बाद आता है एन, ओ, पी, क्यू, उसके बाद आता है आर। अब डी के बाद देखते हैं, इस वाले में डी के बाद आता है ई, एफ, जी, एच, आई, इसके बाद आता है जे। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे तीन अक्षर का डिफरेंस था, तीन अक्षर का अंतर था, यहाँ पे चार का है और यहाँ पे पांच का है, तो हमें यहाँ पे कितने का करना होगा, सिक्स का। तो ओ के बाद आएगा पी, क्यू, आर, एस, टी, क्यू, ये हो गया तीन, तीन छह, इसके बाद आएगा वी। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन मार्क जगह कौन सा लेटर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, वी, ये ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, रेडी में कौन सी पसंद अनुपस्थित अक्षरों में मेल खाती है। ये हमारे पास ये श्रेणी दी हुई है, श्रृंखला दी हुई है इस, और ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे कौन सा फिलअप होगा, कौन सा भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे यहाँ पे कितने लेटर हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लेटर हैं। तो हम यहाँ पे चार चार का पेयर बना लेते हैं, चार चार का। अगर हमारे पास 15 लेटर होते हैं तो हम तीन या पांच का पेयर बनाते हैं। अभी हमारे पास फिलहाल 16 लेटर है, हम चार चार का पेयर बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं। 1, 2, 3, 4 फर्स्ट पेयर हो गया, 1, 2, 3, 4 सेकंड पेयर हो गया, 1, 2, 3, 4 थर्ड, 1, 2, 3, 4 ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं ए के बाद आता है बी, बी फिल कर देते हैं, उसके बाद सी हो गया, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे सी फिल कर देते हैं, यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे ए फिल कर देते हैं, ए बी सी, अब यहाँ पे ए फिल कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए तो देखिए यहाँ पे ए बी सी के बाद ए आया, यहाँ पे ए बी सी के बाद बी आया, अगर यहाँ पे देखिए ये भी ए बी सी होगा, इसके बाद सी आया है, मतलब ए बी सी के बाद यहाँ पे ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, तो ए बी सी हो गया। अब इसके बाद फिर से रिपीट होगा, ए आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने क्या क्या फिल किया, बी सी ए ए, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए।
दोस्तों इस तरह आप इस तरह के सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हमारे पास, यदि सन 678, सन को 678 लिखा गया है और टेन को 948, तो स्टोन को क्या लिखा जाएगा। इस तरह के सवाल हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको कंपेरिजन करेंगे, इसके कंपेयर करेंगे। सन को 678 से कंपेयर कीजिए तो एस की जगह 6 लिखा हुआ है, ओ की जगह 7 और एन की जगह 8। यहाँ पे देखिए 10 में टी की जगह 9, ई की जगह 4, एन की जगह 8। अब देखिए ये जो स्टोन वर्ड दिया हमारे पास सब दिया हुआ है, ये इन्हीं 6 लेटर से मिलकर बना हुआ है, तो हम इसी नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं जो कंपेयर करके हमें मिला है। तो एस में मिला है 6 और टी मिला है यहाँ पे देखिए 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ओ हमें मिला है 7 यहाँ से, और एन मिला है हमें 8 और ई हमें मिला है 4। अब ऑप्शन आप मैच कर लीजिए, 6 9 7 8 4, 6 9 7 8 4, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल सा हमारे पास, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। संख्या नहीं, यहाँ पे गलत वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा ये पूछना चाह रहा था। तो चलिए देखते हैं। कठोर पत्थर, पत्थर कठोर होता है, ये इससे रिलेटेड है। कोमल, यहाँ पे क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दिए, चंद्रमा, चंद्रमा को तो हम लोग ने टच भी नहीं किया है, कैसे बता सकते हैं चंद्रमा कोमल है या कठोर है। चमक, चमक को तो हम लोग फील नहीं कर सकते, कैसे बताएं कोमल क्या है। पंख, अगर आप देखें तो पंख कोमल होता है, चिड़िया का पंख हो, पक्षी का पंख हो, वो कोमल होता है। रेत तो खुरदुरा होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो मैं कौन सा ऑप्शन सही है, सी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।